कि एक गरीब परिवार के बच्चे दे नाल जिहड़ा धक्केशाही हुई जबर जुल्म होया वो बच्चा तनाट लोकां दा जबर जुल्म ना सहारदा होया जिहड़ा अपनी जिहड़ी है जान गवा बैठा क्योंकि हमेशा तनाट लोग किते ना किते गरीब वर्ग दे बच्चियां नूं कदे चोर बनाउंदे है कदे ठग बनाउंदे है इस तरह इस बच्चे दे उत्ते भी जिहड़े इल्जाम लगा रहे सी। सो पंजाब सरकार नूं अपील है कि वाल्मीकि मजहबी सिख समाज का जिहड़ा टैस्ट ना किया जाए इस तरह के तनाट लोगों जिहड़ी पंजाब सरकार नत्त पावे जेकर वाल्मीकि मजहबी सिख समाज इस तरह के तनाट लोगों नत्त पाउण ते आ गया तो ये किसी के कोल भी जिहड़ा आ रोकिया नहीं जाना क्योंकि वाल्मीकि समाज अज नहीं लगातार कई सालों तो जिहड़ा ये तस्तंद जिहड़ा सहिंदा आया है पर हुण जिहड़ा सहन शक्ति है वाल्मीकि मजहबी सिख समाज के आगुआं दी उन्हां दे लीडरां दी जिहड़ी खत्म हो चुकी है क्योंकि इन्हां जबर जुल्म करन वाले लोकां दी जिहड़ी बेइंतहा हो चुकी है। सो वाल्मीकि एक्शन फोर्स पंजाब इस घटना की तिखे शब्दों के निखेधी करता है और पंजाब सरकार नूं अपील करदा कि जिहड़े बठिंडे दे विच घटना होई है जिन्हां लोकां ने जबर जुल्म किया है उस बच्चे के खिलाफ उस ते बनदी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जे वो गलत व्यक्ति सी जां सही व्यक्ति सी ते तुहानूं किसने अधिकार दिता कि तुसी उस दे उत्ते जुल्म करो क्योंकि भारत दे विच जो संविधान लागू है जो कानून व्यवस्था है कोई भी किसी तरह का भी गैर कानूनी काम करता गैर संविधानक काम करता तो उसनू जिहड़ा कानून बनिया होया है सज़ा देण नू और उस गरीब बच्चे दे उत्ते जिहड़ा इल्जाम लगा के उसनू फड़ के किसी जगह पर अपने लिया के उस दे नाल बेरहमी दे नाल कुटमार की उस दे जिहड़े गुप्त अंगा दे विच सुणन नू मिलिया कि गुप्त अंगा दे विच उस दे जिहड़ा आ जिहड़ा डंडा घसीड़िया गया उसकी जिहड़ी आ लैटरिंग वाली जिहड़ी थैली भी पाड़ दित्ती गई। जय भीम जय भारत जय संविधान। अज बड़ी मंदभागी घटना जो पंजाब दे बठिंडा दे विच देखण नूं मिली कि एक गरीब परिवार दे बच्चे दे नाल जिहड़ा धक्केशाही होई जबर जुल्म होया वो बच्चा तनाट लोकां दा जबर जुल्म ना सहारदा होया जिहड़ा अपनी जिहड़ी है जान गवा बैठा क्योंकि हमेशा तनाट लोग किते ना किते गरीब वर्ग दे बच्चियां नूं कदे चोर बनाउंदे है कदे ठग बनाउंदे है इस तरह इस बच्चे दे उत्ते भी जिहड़े इल्जाम लगा रहे सी कि ये इसने आ जुल्म कीता ये इदां दा व्यक्ति सी पर मैं कहना चाहना जे वो गलत व्यक्ति सी जां सही व्यक्ति सी ते तुहानूं किसने अधिकार दिता कि तुसी उस दे उत्ते जुल्म करो क्योंकि भारत दे विच जो संविधान लागू है जो कानून व्यवस्था है कोई भी किसी तरह का भी गैर कानूनी काम करता गैर संविधानक काम करता तो उसनू जिहड़ा कानून बनिया होया है सज़ा देण नू और उस गरीब बच्चे दे उत्ते जिहड़ा इल्जाम लगा के उसनू फड़ के किसी जगह पर अपने लिया के उस दे नाल बेरहमी दे नाल कुटमार की उस दे जिहड़े गुप्त अंगा दे विच सुणन नू मिलिया कि गुप्त अंगा दे विच उस दे जिहड़ा आ जिहड़ा डंडा घसीड़िया गया उसकी जिहड़ी आ लैटरिंग वाली जिहड़ी थैली भी पाड़ दित्ती गई। सो पंजाब सरकार नू अपील है कि वाल्मीकि मजहबी सिख समाज का जिहड़ा टैस्ट ना किया जाए इस तरह के तनाट लोगों नू जिहड़ी पंजाब सरकार नत्त पावे जेकर वाल्मीकि मजहबी सिख समाज इस तरह के तनाट लोगों नत्त पाउण ते आ गया तो ये किसी के कोल भी जिहड़ा आ रोकिया नहीं जाना क्योंकि वाल्मीकि समाज अज नहीं लगातार कई सालों तो जिहड़ा ये तस्तंद जिहड़ा सहिंदा आया है पर हुण जिहड़ा सहन शक्ति है वाल्मीकि मजहबी सिख समाज के आगुआं दी उन्हां दे लीडरां दी जिहड़ी खत्म हो चुकी है क्योंकि इन्हां
जबर जुल्म करन वाले लोकां दी जड़ी बेइंतहा हो चुकी है। सो वाल्मीकि एक्शन फोर्स पंजाब इस घटना की तिखे शब्दों के निखेधी करता है और पंजाब सरकार नूं अपील करदा कि जेडे बठिंडे दे विच घटना होई है जिन्हां लोकां ने जबर जुल्म किया है उस बच्चे के खिलाफ उस ते बनदी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उस ते कतल दा ही नहीं ऐसी एक्ट अते होर जड़ियां धरावां ला के उस दे उन्हां दे उत्ते जिहड़ा FIR दर्ज की जाए तो तुरंत जिहड़ा जेलां दे विच सुट्टिया जाए। नहीं तो वाल्मीकि एक्शन फोर्स पंजाब तिखे शब्दों के निखेधी भी करदा और चेतावनी भी दिंदा है कि असी जिहड़ा पूरे पंजाब दे विच जिहड़ा इस चाहे उन्हां तनाट लोकां दे नाल कुछ राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट करदियां होण ते चाहे कोई होर वाल्मीकि समाज कदे भी अपने समाज दे नाल धक्केशाही नहीं होण देवेगा। और पंजाब सरकार नूं अपील करदे हाँ कि जिन्हां ने भी इस घटना नूं अंजाम दिता है जिन्हें भी दोषी है उन्हां दा परिवार कहिंदा है लड़के लड़का परिवार उन्हां नूं जिहड़ा इस FIR दे विच नामजद किया जाए और इन्हां घिनौनी हरकत करन वालियां ते तुरंत जिहड़ी FIR जिहड़ी है रजिस्टर्ड की जाए।